शुक्रवार को इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई। इस भर्ती परीक्षा में प्रदेश में लगभग 12 लाख और जनपद गोरखपुर में 13,026 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। शुक्रवार 12 नवंबर से उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। 12 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 3 चरणों में यह ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों पर भर्ती की जाएगी। जनपद में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में लगभग 13,026 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कुल 8,945 लोग शामिल हुए, जबकि 4,081 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। यह परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे, दूसरी शिफ्ट 12:30 से 2:30 तक और तीसरी शिफ्ट का एग्जाम शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया गया है। चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा शामिल होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने कहा, यूपीएसआई पेपर था, इजी टू मार्डेट था, इजी टू मार्डेट ना, बहुत टफ था ना बहुत कठिन था। अब सर पेपर देने के बाद तो लगता है सब सही हुआ है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कितने घंटे टाइम मिलेंगे? 2 घंटे। क्वेश्चन कितने थे? 160। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन, 4 सेक्शन थे। उम्मीद है निकल जाएंगे। अब सर ये ईश्वर के हाथ में, मैंने तो अपना कर दिया। तो करवा का पेपर दिया एसआई का, कितने क्वेश्चन आए थे? 160 क्वेश्चन आए थे। कितने घंटे टाइम लगा? 2 घंटे। पेपर तो ठीक हुआ है, नॉर्मल पेपर था, मैथ में मैं भी ठीक हुआ है। क्या उम्मीद है? क्या चीज़? क्या उम्मीद है? उम्मीद तो निकल जाना चाहिए। रवि कुमार नाम है। किस चीज़ का पेपर दिए? UPSI का। ऐसा पेपर है इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं था और न ज़्यादा आसान था, सही था। क्वेश्चन मैंने सारे किए। कितने आए थे? क्वेश्चन 160 थे। कितना टाइम मिला था? 2 घंटे का टाइम था, उसमें बहुत स्क्रीन भी थोड़ी सी, जो लैपटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन थी वो भी दिक्कत कर रही थी, माउस भी दिक्कत कर रहा था, बहुत सारा टाइम वेस्ट चला गया। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे और बेन डायग्राम के, रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं, प्रॉपर डिस्प्ले ही नहीं हो पा रहे थे। तो जी क्या उम्मीद है रिजल्ट? रिजल्ट का उम्मीद का कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसा करके हैं अब देखिए क्या होता है। वो तो बाकी तो रिजल्ट के ऊपर ही है, हम तो अपनी पूरा 100% ही दे करके आए हैं।